दिल्ली का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण जिसकी तरफ खड़ा हो जाता है अक्सर उसी के पास कुर्सी भी होती है। चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा चुनाव की जंग रही हो, जाति की सियासत से कोई पार्टी अछूती नहीं है। यूपी की सियासत में जाति वोट बैंक भले ही मुस्लिम वोट बैंक की तुलना में कम हो, लेकिन इसे नजरअंदाज करने की गलती कोई पार्टी नहीं करती। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसके लिए ब्राह्मण और दलित कार्ड खेला है। बीजेपी ने जिला अध्यक्षों के सहारे जातीय समीकरण को साधने की अपनी भरपूर ताकत दिखाई है। 98 जिला संगठनों में से 59 जिला अध्यक्षों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने क्षेत्रवार जाति समीकरणों को बखूबी निभाया है। पश्चिमी क्षेत्र के जिला अध्यक्षों में गुर्जर, जाटों, पिछड़ों और दलितों के साथ ही ब्राह्मण दांव चला है, तो पूर्वांचल में भूमिहार के साथ पिछड़ों और दलित जिला अध्यक्ष बनाकर इन वर्गों को भी साथ लाने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने इस बार के संगठनात्मक चुनाव में 98 जिला संगठन बनाए हैं। ब्रज क्षेत्र में 15 जिला अध्यक्षों में जाट, वैश्य, दलित, पिछड़ा, क्षत्रिय और ब्राह्मण है। गोरखपुर क्षेत्र के 9 जिला अध्यक्षों में भूमिहार, वैश्य और पिछड़े हैं। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो 9 जिला अध्यक्षों में क्षत्रिय, ब्राह्मण, पिछड़े, वैश्य और कायस्थ हैं। काशी क्षेत्र के घोषित 4 जिला अध्यक्षों में भूमिहार, पिछड़ा, कायस्थ और एक राजपूत है। अवध क्षेत्र के 11 जिला अध्यक्षों में ब्राह्मणों की तरजीह के साथ पिछड़े, राजपूत, वैश्य और खत्री वर्ग के भी हैं। 2022 के लिए जाति का रोड मैप संगठन के नए परिसीमन में 4 जिले लालगंज, मछली शहर, शाहजहांपुर और आमला बढ़ गए हैं। अभी भी 39 जिलों के अध्यक्ष घोषित होने बाकी हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने 59 में से 40 जिले ऐसे हैं जहां के महामंत्रियों को जिला अध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति मिली है। अगड़ा पिछड़ा संतुलन बनाने की कोशिश। 59 जिला अध्यक्षों के जाति गणित को समझें तो 10 ब्राह्मण, 11 क्षत्रिय, 15 पिछड़ा, 6 दलित, 11 वैश्य, 2 भूमिहार, 2 खत्री और पंजाबी, 2 कायस शामिल किए गए हैं। पश्चिम के अध्यक्षों में गुर्जर, जाट और दलित का बोलबाला है। पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र के 11 जिला अध्यक्षों की सूची में मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बागपत में 3 गुर्जर जाति के हैं। बिजनौर में वाल्मीकि और संभल में खड़गवंशी सरीखे दलित जिला अध्यक्ष बने हैं। तस्वीर साफ है, बीजेपी ने 2022 के लिए अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है, जिसके लिए जातीय समीकरण और जाति गणित को बैठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने जिला अध्यक्षों के सहारे भविष्य की सियासत को मजबूत करने और सत्ता की हुकूमत बरकरार रखने की तैयारी शुरू कर दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और इसी के साथ नहले पे दहला पे फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत।